afternoon everyone, my name is Jagdish Adhikari. I am a faculty at Vidya Mandir Classes, HCL Korba. As we know that this week is our concept classes week and the topic for this week is whole number. And we are going to study the basic and the fundamental of the topic whole number this week, and next week will be our Olympiad week. So let's start with whole numbers. The first thing we need to understand, what is whole number? होल नंबर क्या है? होल मतलब पूरा, तो पूरे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till infinitive, सारे होल नंबर्स होते हैं. 1000, 1 lakh, 1,20,000, सब ये जितने भी नंबर्स है होल नंबर है, ठीक है. एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं होल नंबर को नहीं है. 2.395 होल नंबर नहीं है, जबकि 2.00 होल नंबर है. पॉइंट के बाद मतलब ये सारे डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, हर एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, अगर पॉइंट नहीं दिख रहा तो. अगर पॉइंट दिया है तो वो ही कंटिन्यू रहेगा. अभी यहां पे हमने देखा पॉइंट के बाद 3.5 है, तो ये होल नंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जब भी कोई जीरो के अलावा नंबर आ जाता है तो वो होल नंबर नहीं होता. यहां पे पॉइंट के बाद 0.0 है, अभी ये 2 है, ऐसे हम कितने भी लगा लें पॉइंट के बाद तो तब भी ये होल नंबर रहेगा, ठीक है. अभी एक एग्जांपल और कि होल नंबर कौन नहीं है. अभी यहां पे पॉइंट के बाद 0.0 तो आया, पर अगेन यहां पे डिजिट और आगे विच इज 1, तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद होल नंबर में हमेशा 0 ही रहता है, और अगर 0 ना भी है तो भी वो होल नंबर है, ठीक है. मतलब अगर ये केवल ऐसे भी लिखा होता तो भी ये होल नंबर है, और इसके बाद हम पॉइंट लगा के 0.0 लगा दें तब भी होल नंबर है. तो होल नंबर सारे वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 और टिल इंफिनिटी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस. होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटिव, और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटिव. तो होल नंबर में 0 आएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, सिंस इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट नॉट ईच एंड एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक. 0 के अलावा बाकी होल नंबर नेचुरल है, पर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है. तो ये इनमें डिफरेंस था. कभी कभी ट्रू फॉल्स में आ जाता है, लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो यस इट इज ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. बट अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सिंस 0 इज ए होल नंबर, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होल नंबर में, फाइंड द होल नंबर बिटवीन गिवन नंबर, गिवन नंबर्स. तो आपको कोई दो नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि उनके बीच का होल, उनके बीच बताओ कितने होल नंबर है, फाइंड द होल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, ठीक है. तो उनके बीच में आपको बताना है कि कितने होल नंबर है. तो जैसे आपको दो नंबर दे दिए 20, बहुत एक छोटे बेसिक से एग्जांपल से करते हैं 20 एंड 30, तो 20 एंड 30 के बीच में आपसे बोला गया फाइंड द होल नंबर्स, कितने होल नंबर्स है, या फिर ये आ सकता है हाउ मेनी, ऐसे भी आ सकता है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर इन 20
होल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स। तो दो टाइप्स आ सकता है, फाइंड द होल नंबर्स या फिर हाउ मेनी। तो फाइंड द होल नंबर्स में तो आपको सारे होल नंबर लिखने पड़ेंगे, और हाउ मेनी में आपको बस केवल उनको काउंट करके लिखना है कि वो है कितने। लाइक यहां पे आप पूछते हैं हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो अगर हम इसको देखें तो 20 एंड 30 के बीच में कौन कौन से होल नंबर होंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 9। तो अगर आपका फाइंड द होल नंबर तो ये सारे लिखने आते हैं, और अगर पूछा जाए हाउ मेनी होल नंबर्स तो कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने हो गए, 9। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर हमें डायरेक्ट ये बताना है कि कितने होल नंबर होंगे, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो यहां पे अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30, तो 20 एंड 30 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, क्या करना है हमको, बड़े में से छोटा माइनस करना है, 10 आया, और जो आंसर आया उसमें से भी 1 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा, 9। तो हम चेक कर सकते हैं यहां पे कि 9 ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन एनी नंबर, बिटवीन कोई भी नंबर दे रखे हो, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और जो उनका आंसर आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स ले लेते हैं एक दो और। एक एग्जांपल और लेते हैं, पूछा गया 34 एंड 52 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, तो नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 34 एंड 52, तो दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है आपको, और जो आंसर आए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें को, ठीक है। ऐसी अभी क्वेश्चन आएगा सक्सेसर और प्रेडिसर वाला, तो आपको उसमें सक्सेसर बताना है और प्रेडिसर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसर की। सक्सेसर मतलब जो भी नंबर है उसके बाद, है ना। जैसे बोला है 50 का सक्सेसर क्या होगा, तो 50 के जस्ट बाद क्या है, 51। तो 50 का सक्सेसर क्या है, 51। तो सक्सेसर निकालने के लिए जो भी हमें नंबर दिया, जैसे हमको बोल दिया 8992 का सक्सेसर बताइए, तो सक्सेसर इक्वल्स टू जो भी नंबर दिया उसमें बस आपको 1 प्लस करना है, तो यही आपका सक्सेसर है, ठीक है। और ऐसी प्रेडिसर निकालने के लिए जो भी आपको नंबर दिया है उसमें से आपको जस्ट 1 माइनस करना है, तो प्रेडिसर कितना आ जाएगा, 3958। सक्सेसर मतलब जो भी नंबर है गिवन नंबर उसके बाद, जस्ट बाद क्या आएगा। प्रेडिसर मतलब जो भी गिवन नंबर है उससे जस्ट पहले क्या आएगा, तो पहले जस्ट पहले निकालने के लिए 1 माइनस करना है, और जस्ट बाद वाला निकालने के लिए 1 प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हर एक प्रॉपर्टी के अंदर चार चीजें होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अगर कोई भी, जैसे बात कर रहे हैं यहां पे होल नंबर चैप्टर है हमारा, तो कोई भी अगर नंबर, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, अगर उसको क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर चेक करने को बोला जाए कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी की किन किन चीजों को सेटिस्फाई करता है, तो वो आपको उसमें क्या करना है, उसमें पहले आपको सबसे पहले एडिशन को चेक करना है, फिर
सब्ट्रैक्शन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को और देन डिवीजन को, ठीक है। हमने बात तो कर ली क्रॉस ओवर प्रॉपर्टी के अंदर, ये चार चीजें होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। जैसे होल नंबर एडिशन को अगर फॉलो करेगा तो मैं उस स्टेटमेंट में लिखूंगा कैसे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन को। सपोज मल्टीप्लीकेशन को फॉलो नहीं करता तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब ये तो हमने बात कर लिया नंबर की, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे बात करते हैं एडिशन की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर एडिशन के लिए बात हो रही है तो हमको उन दो नंबरों को, जैसे होल नंबर है तो दो होल नंबरों को ऐड करना है, ठीक। क्लोजर प्रॉपर्टी बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की तो हमें उन दोनों होल नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है। बात मल्टीप्लीकेशन की, होल नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। डिविजन की, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर वो एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे तो उनको ऐड करने पे भी होल नंबर ही आएगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन की, और वो भी बात कर रहे हैं किसके लिए, होल नंबर के लिए, ठीक है। तो हमको इसको एग्जांपल के थ्रू समझना है, बहुत इजी हो जाता है एग्जांपल के थ्रू। हमको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर और अंडर एडिशन। तो हमको दो कोई भी होल नंबर लेना है, कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी 1000 1000 जो मन करे उनको ऐड करना है। तो मैंने जब 3 और 4 को ऐड किया तो मेरे पास आया 7। क्या 7 होल नंबर है? हाँ है, तो यस एडिशन के अंदर फॉलो है। अभी एक एग्जांपल से आपको नहीं पता चलने वाला, आपको एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल करने हैं। मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल की, 1100 की। तो मैंने इनको ऐड किया तो 1100 आया, विच इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो मतलब होल नंबर को ऐड करने पे भी होल नंबर ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि मतलब होल नंबर एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट में क्या जाएगा, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, की मतलब अगर हम किसी दो होल नंबर को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो होल नंबर एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं, इसके बाद चारों चीजें हमें चेक करनी है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, क्या होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर होते हैं या नहीं होते, चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करना है दो होल नंबर को। एग्जांपल लेते हैं, 20 माइनस 9, 20 में से 9 गया तो हाँ 11 आ गया, विच इज ऑल्सो ए होल नंबर, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अभी एक एग्जांपल और करते हैं, 30 में से 40 माइनस के -10 आगे, -10 तो होल नंबर होता ही नहीं क्योंकि होल नंबर तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो नेगेटिव आ गया, इंटीजर आ गया, तो है ना। तो हमने यहां पे क्या चीज नोटिस करी, हमने नोटिस किया कि सब्ट्रैक्शन के अंदर जब हम दो होल नंबरों को माइनस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार होल नंबर ही आए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो करते ना तो हर बार होल नंबर ही आता, या तो हर बार होल नंबर नहीं आ रहा है। तो मतलब होल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करना है हमको मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्या मल्टीप्लाई करने पे भी होल नंबर आएगा नहीं आएगा, चेक करते हैं।
थर्ड वन इज आर मल्टीप्लीकेशन. दो वन नंबर लेने, कोई भी दो एग्जाम्पल, फोर फाइव और मैंने नाइन ले लिया, तो फाइव नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे 45, टेन ट्वेंटी की मल्टीप्लाई करेंगे 200, कोई भी ले लीजिए आप अपने दिमाग में, उनको मल्टीप्लाई करके देखिए. पर हाँ, कंडीशन ये है कि नंबर होल ही लेना है, इनके अलावा कोई नहीं लेना. ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों होल लिए, देखो 10 भी होल है, 20 भी होल है, 5 भी होल है, 9 भी होल है, आ भी होल रहा है. तो मतलब होल नंबर मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर को एक होल नंबर ही आएगा. लास्ट बचा डिवीजन. अब करते हैं डिवीजन के लिए. लास्ट वन इज डिवीजन. क्या होल नंबर डिवाइड करने पे भी एक होल नंबर आएगा? चेक कर लेते हैं. फोर को डिवाइड किया टू से, टू है, हाँ टू तो होल नंबर है. पर अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दू, टू को फोर से डिवाइड कर दू, तो 0.5, अभी तो बताया था पॉइंट के बाद 5 नहीं आना चाहिए, कोई भी डिजिट नहीं आनी चाहिए, पॉइंट के बाद 0 तो चल जाएगा, पर 1, 2, 3, 4 और टिल इनफिनिटिव कोई भी नंबर नहीं चलेगा. तो मतलब 0.5 होल नंबर नहीं है. अगर ये होल नंबर नहीं है तो होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करते. तो यहां लिख देंगे सिंपली होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया. तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर किस किस के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको ऐड करने पे वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करने पे भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, अगर होल नंबर को ऐड करें तो भी होल नंबर आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करें तो भी होल नंबर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं. अभी ये मैंने आपको जो कराया, इसका यूज कहां पर है? इसका यूज आता है मैचिंग में. मैचिंग में आपको एक तरफ लिखा आएगा होल नंबर्स या इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दूसरी तरफ लिखा आएगा आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो आपको मैच करना है कौन कौन से नंबर मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज होते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है. ट्रू फॉल्स में आगे जैसे होल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि होल नंबर डिवीजन के अंदर क्लोज होते हैं या नहीं होते, तो आप वहां पे गलत कर दोगे. तो इसलिए मैंने यहां पे करवा दिया है कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर ही शो करते हैं, बाकी इसके अलावा किसी के अंदर शो नहीं करते. ठीक है, हाँ, दो तीन बहुत बेसिक सी चीजें हैं होल नंबर में जिसको हम समझ लेते हैं. सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? जीरो से. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जाएगा? जीरो. और बोला जाए राइट फाइव होल नंबर्स आफ्टर फोर फाइव नाइन के बाद फाइव होल नंबर और लिखना है. तो बस काउंटिंग तो आपको आती है, फोर फाइव नाइन के बाद क्या आएगा? फोर फाइव, फोर सिक्स जीरो, फोर सिक्स वन, फोर सिक्स टू, 463, 464. तो 459 के बाद जो 5 हमारे होल नंबर होंगे 460, 461, 462, 463, 464. ठीक है, ऐसी सिमिलरली अगर बिफोर पूछ ले पहले, तो आपको बस बैक काउंटिंग करनी है, जो भी नंबर है उससे पहले के 5 होल नंबर बताने हैं. ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम करते हैं, या फिर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, सुटेबल अरेंजमेंट. अभी सुटेबल अरेंजमेंट क्या है?
देखो बच्चों क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में बहुत लंबा सम आ जाता है, एक बहुत लंबा कैलकुलेशन आ जाएगी, बहुत लंबी सी, तो आपको उस कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाना है। कैलकुलेशन अभी आपके सामने मैं दो एक एग्जांपल रखता हूं, तो इसको ज्यादा इजी मल्टीप्लाई करना है या इसको, ऑब्वियसली इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, है ना, इसको थोड़ा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, वो तो ये भी जाएगा पर ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो हमने यहां पे एक चीज नोटिस करी कि अगर हम किसी क्वेश्चन में जो वैल्यू है वहां पर मैक्सिमम अगर हम जीरो बना सके, ज्यादा से ज्यादा जीरो हम बना सके, तो उस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एज कंपेयर टू वहां पे कम जीरो। तो हमको क्या करना है, जब भी बोला जाए सुटेबल अरेंजमेंट, चाहे वो प्लस के अंदर बोला जाए, माइनस के अंदर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी के भी अंदर बोला जाए, तो हमको कोशिश करनी है वहां पर कि जो भी उसमें नंबर्स लिखे हैं उनको इस तरीके से अरेंज करें कि मैक्सिमम जीरो बन जाए। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा यहां पे 25 × 4 × 6, ठीक है, अभी बोल दिया मेरे से सुटेबल अरेंजमेंट करके इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई नॉर्मल करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, पर हमको सुटेबल अरेंजमेंट से बोला है तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम जीरो बनानी है। तो अगर मैं इसकी और इसकी इंटू करूं 24 आएगा, तो 24 में तो जीरो नहीं है, इसकी इसके साथ इंटू करूं तो कितना आएगा, 150 आएगा, उसमें भी जीरो नहीं है, तो मुझे इन दोनों को इंटू करना, 150 में जीरो है पर एक जीरो है, ज्यादा से ज्यादा हमको बनानी है, तो मैं अगर इन दोनों को इंटू करूं तो 100 आएगा, तो 100 में बाकी सारी इंटू से ज्यादा जीरो है। अब यहां पे जैसे 100 बना तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना, 6 × 6 बाकी दो जीरो उसके पीछे। तो सिमिलरली बिल्कुल हमको ऐसे ही एडिशन में ही करना है, एडिशन में भी ऐसे ही करना है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है कि उन दोनों नंबरों को पहले एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकें, ठीक है। अभी हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आ गया, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 6 × 4 = 6 × 3 × 9 = 3 × 5 = 4, इसको बोला गया कि ऐड करें बाय सुटेबल अरेंजमेंट, तो सुटेबल अरेंजमेंट से हमको इसको ऐड करना है, तो ऐड तो नॉर्मली भी हो जाएगा पर हमको इसको इस तरीके से ऐड करना है कि मैक्सिमम जीरोस बन के आए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 और पीछे इसके 9 है, इसके पीछे 4 है, तो 4 और 9 को ऐड करने में कभी भी जीरो नहीं बनती पीछे की तरफ, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 6 और 9 जीरो बनेगी नहीं, 15 आएगा, 5 आएगा पीछे, पर अगर मैं इन दोनों को एक साथ ऐड कर दूं तो हो सकता है कि पीछे की तरफ काफी सारी जीरोस बन जाए, देख लेते हैं। तो मैंने इसको और इसको साथ में लिखा, ब्रैकेट में बैठ लिया, बाकी ये प्लस का ये 3 × 2 9 चलता रहेगा एंड तक, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, 6 और 4 10 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 1 कैरी, 3 और 6 9 और 10 1 10, तो ये आ गया हमारा 1000। जैसे ये 1000 बना और इसको और इसको ऐड करना बहुत इजी हो जाता है, 1 3 2 9, तो ये हमारा सुटेबल अरेंजमेंट है। सुटेबल अरेंजमेंट में क्या करना है, हमको जो भी नंबर्स हमको दिए हुए हैं उनमें से ऐसे नंबरों को साथ में लाना है, उनको चाहे ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या सब्ट्रैक्ट, जिससे मैक्सिमम जीरो बन के आए। तो मैंने जब इसको अरेंज किया तो हमने एक चीज नोटिस करी कि हमने इन दोनों नंबर को एक साथ लिया, जैसे इन दोनों को साथ लिया तो यहाँ पे 1000 बन के आया, 1000 में 3 जीरो है, बाकी किसी भी नंबर को आप साथ में अरेंज करिए 1000 नहीं बनेगा, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो वाला नंबर नहीं बनेगा, तो यही आपको करना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई वाले में भी करना है, मल्टीप्लाई वाले में भी क्या करना है, उन नंबरों को साथ में लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने में मैक्सिमम जीरोस बन जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहां पे हमने एक नंबर ले लिया और
कंफ्यूज करने के लिए टीचर कभी कभी ऐसे ब्रैकेट लगा देता है। तो अभी आपको लगेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों की कर लेंगे, जो आएगा फिर उन दोनों की कर लेंगे। नहीं, लिखा है सुटेबल अरेंजमेंट। तो आपको क्या करना है, उन दो नंबरों की को साथ में लेना है जिनसे मल्टीप्लाई करने पे पीछे की तरफ मैक्सिमम जीरोस बने। अभी मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं ड्रॉप में। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी तो हमारे सामने यह है 750, एक ही जीरो है। इसकी इसके साथ थ्री की इसके साथ करूंगा तो एक भी जीरो नहीं आने का। पर 125 की अगर मैं फोर के साथ कर दूं, मतलब इन दोनों को साथ में अरेंज करके मैं मल्टीप्लाई करूं, आई थिंक यही आएगा। तो 500 में तो काफी सारी जीरो है, मतलब दो जीरो है बाकी सालों से। और यहां पे क्या आ जाएगा 18, तो 18 की 5 से मल्टीप्लाई करना अब इजी है, और बाकी पीछे की जीरो उसके पीछे लगा देंगे। 18 5 जा कितना होगा 90, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई वाले में भी ऐसे ही करना है कि जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा से ज्यादा बने, उन नंबरों को ज्यादा से ज्यादा जीरो बने, उन नंबरों को साथ में लेके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बात करते हैं एक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या? देखो, डिस्ट्रीब्यूट जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, उसका मतलब होता है बांटना। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है, बांटती है। बांटती है मतलब कैसे बांटती है, जैसे इसको हम वेरिएबल से समझते हैं, फिर इसको कांस्टेंट में लेंगे। जैसे वेरिएबल हमने लिए ए बी सी, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई हो रही है बी प्लस सी से, है ना, बी प्लस सी एक साथ है पैकेट में, उनकी मल्टीप्लाई ए से हो रही है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता और ये नंबर्स में होता लाइक दिस, तो हम क्या करते, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर जो आता उसकी टू से इंटू कर लेते हैं, यही करते। पर अगर सपोज यहां पे बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो कभी कभी ये प्रॉपर्टी ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर वो आपको सीधा बोले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये अल्फाबेट ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। कैसे, ए मल्टीप्लाई बी, फिर यहां जो साइन है वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, ए मल्टीप्लाई सी, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूट। किसके बीच में, ए बी के और सी के बीच में, ए मल्टीप्लाई बी जो साइन है वो साइन और ए मल्टीप्लाई सी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा लाइक यहां पे हमने माइनस का साइन ले लिया, ठीक है, तो ए बी के साथ भी चला जाएगा और ए सी के साथ भी चला जाएगा, बस जो साइन है वो साइन यहां आ जाएगा। तो यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि जो भी अल्फाबेट नंबर कुछ भी आगे लिखा हुआ है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर आपका कभी कभी आपको ना डिस्ट्रीब्यूट का रिवर्स दिखाया, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा था, ये लिखा है, तो कभी कभी आपको ये साइड मिलेगी, कभी कभी वो साइड मिलेगी। अब दोनों को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर जैसे ये साइड मिल गई और आपको सॉल्व करने को बोला गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो 10 प्लस 12, तो 10 और 12 कितना हो गया 22, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। पर अगर जब वो वाली साइड मिल जाए, जैसे एग्जांपल 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, 5, 5,
ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अभी टेंस देखो, दो चीज अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो टू फाइव जब भी टेन होगा, फाइव टू जब भी टेन होगा, तो वो आगे पीछे लिखे तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बात एक ही है, टू फाइव जब भी टेन है, फाइव टू जब भी टेन है। तो ऐसे यहाँ पे थ्री फोर फाइव टेन जब भी थ्री फोर फाइव जीरो आ जाएगा, और टेन थ्री फोर फाइव जब भी थ्री फोर फाइव जीरो ही आएगा। बस हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे ए जो है दोनों के साथ है, तो यहाँ भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों के साथ हो, तो हाँ है, टेन दोनों के साथ है। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से हमें बोला गया करने को, तो इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे, टेन हमने कॉमन ले लिया और थ्री फोर फाइव हमारा यहां से बच गया, जो साइन यहां है वो साइन यहां पे, और टू फाइव फाइव यहां से बच गया, है ना। देखो ये दोनों साइड सेम ही तो है, तो ये चीज ये लिखी हुई है, इसको मैंने इस साइड में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, ए को मैंने कॉमन ले लिया और ये दोनों बच गए, जो साइन था बीच में वो आ गया। ऐसे यहां पे मैंने टेन कॉमन ले लिया, यहां से थ्री फोर फाइव बच गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही, यहां से ये प्लस का साइन बच गया और टू फाइव फाइव यहां से बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, तो जीरो जीरो फाइव सिक्स, और इनकी फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहां पे हम करते तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी होती, फिर इनकी मल्टीप्लाई, फिर जो आता उसको ऐड करते। सपोज यहाँ पे 10 लिखा है, 10 तो इजी है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लिख दे 2569, तो फिर मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा 2569 की पहले इससे फिर उससे। तो इसलिए हमने क्या करा, जो भी नंबर था कॉमन ले लिया, पहले उनको ऐड कर लिया और फिर जो आया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो इससे हमारा टाइम जो है वो भी बचेगा, प्लस हमारे सम्स जो है वो इजिली हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।